Indian vice captain Shikhar Dhawan said that the defending champions will not take Bangladesh lightly in the Asia Cup Finals 2018. Bangladesh beat Pakistan in a sensational contest in a Super 4 match to set up a repeat of 2016 finals. Of course, we're going to carry the momentum in the finals and we're going to give our best shot tomorrow. It's a big final for us. And as I said, all the teams are quite competitive. Everyone was thinking it's going to be India-Pakistan final. But Bangladesh, you know, won a great match last night. And we cannot take Bangladesh lightly because Pakistan is a bigger name. But they are playing better cricket. So, we say that the written team and a good team is doing well. Both are different. तो ग्राउंड पे कौन कैसा कर रहा है वो बड़ी टीम मानी जाती है कागज पे लिखी हुई टीम कभी बड़ी नहीं मानी जाती एंड दैट्स हाउ आई सी इट आई गेस कि उनकी बैलेंस साइड है जैसे उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है सारी और कई सालों से उन्होंने अपनी गेम काफ़ी इम्प्रूव करी है तो एक वो कॉम्पिटिटिव साइड है और हैट्स ऑफ टू देम जैसे उन्होंने कल गेम खेली और वहाँ से गेम खींची है तो जब आप ऑलराउंड अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और तीनों डिपार्टमेंट का अच्छा ख्याल रखते हैं तो अच्छा फिर रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं एंड अभी अब जैसे कल उनको उनके अगेंस्ट खेलेंगे तो जो जिस प्लान से हम पिछले मैच में गए थे क्योंकि यहाँ की आई गेस कंडीशन काफ़ी सेम रहेंगी और हर एक प्लेयर के अपने इंडिविजुअल प्लान रहते हैं तो वो अपने प्लान के मुताबिक रहेंगे और जैसे अगर हम अपनी बॉलिंग उसकी बात करूं तो हमारे बॉलर्स के जैसे उनके बैट्समैन के वीडियोस देख के सारे उनको वो प्लान करेंगे और रिवाइज करके दोबारा कल मैच के लिए तैयारी करेंगे